अभी हम वेयर में वेमेंट कैसे होता है, काटे पे खटा पर्ची कैसे निकलता है वो सीखेंगे। ट्रांजैक्शन में जाके सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ट्रांजैक्शन में जाके स्लिप एंट्री पे क्लिक करेंगे तो एक वेमेंट एंट्री का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। वो स्क्रीन में बहुत सारा डिटेल दिया गया है, वो हम पहले एक बार नोट कर लेते हैं कि किस फंक्शन से क्या होगा। पूरा सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की से भी चलता है, फंक्शनल की से लाइक F1, F3, F10, F6, Escape उससे भी चलता है और माउस से भी चलता है। तो किसी भी जगह पे हम क्लिक करेंगे बटन पे तो क्लिक भी होगा, अल्टर से भी चलता है, अल्टर F करने से फर्स्ट हो जाएगा, अल्टर O करने से सेकंड हो जाएगा सीधा, F5 करने से ना बट वजन कैप्चर हो जाएगा, लाइक दैट वे इट इज़ पॉसिबल। अभी कोई भी व्हीकल आएगा तो हम फर्स्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम वेमेंट कैसे होता है, प्रोसेस और कितनी स्पीड से होता है वो देख लेते हैं। F2 जो फर्स्ट वेमेंट आ गया, अभी मेरे पास वेब्रिज लगाया हुआ नहीं है तो मैं मैनुअल वेट ले लेता हूँ, और वो भी मैनुअल भी आप यूज़र के लिए प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा यूज़र राइट्स दे देंगे तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा यूज़र ऑपरेटिंग लॉगिन में। अभी हम कैप्चर करेंगे, मैनुअल किया, F5 किया, यहाँ पे वजन डालने के बाद एंटर लगाना है, पार्टी हो गया, सप्लायर आ गया, व्हीकल नंबर डाल दिया, प्रोडक्ट नंबर डाल दिया, तो उसका चार्ज दे दिया, और F1 डाल दिया, एक टेम्पररी वैल्यू हमने डाल दिया, फिर एंटर करेंगे, प्रिंट को पूछेगा, प्रिंट करने के बाद सेव करने के बाद प्रिंट का पूछेगा, प्रिंट का एंटर देने के बाद हमारा प्रिंट आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको व्यू नहीं चाहिए तो डायरेक्ट प्रिंटर पे प्रिंट जा सकता है, और वही गाड़ी जब लोड करके दूसरी बार आएगा तो हम F3 करेंगे या तो सेकंड बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी फर्स्ट पेमेंट हुआ है उतना सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। ए सर्च में आप किसी भी यहाँ पे जो भी दिख रहा है लाइक सप्लायर नेम, पार्टी नेम, प्रोडक्ट नेम, 1, 2, 3 वो कुछ भी आप डालेंगे आपको जो भी याद है, या तो व्हीकल नंबर डालेंगे पूरा, तो वो सर्चिंग हो जाएगा, और डबल एंटर देने से यहाँ पे आ जाएगा, और डबल क्लिक करने से भी वो आ जाएगा। फिर आपको जस्ट F5 करना है और या तो एंटर देना है, तो दूसरा वेट ले लेगा और जस्ट एंटर करके आप सेव भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली F10 करके या तो क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं और एक प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्पीडी प्रिंटिंग का पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो क्या है। यहाँ से कनेक्ट कॉम्पोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये अभी मेरा कनेक्ट नहीं है, कोई कॉम्पोर्ट नहीं है, तो ये इसीलिए मैसेज दिया है। अभी ये कनेक्ट कॉम्पोर्ट करने से मेरा लाइव वेट यहाँ पे आ जाएगा, एक बार हमने सेट किया है तो वो वेट सेट करने के लिए हमारा कॉम्पोर्ट सेटअप में जाना पड़ेगा, और ये पूरा पैरामीटर्स हमको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। ये सेट करने के बाद ये यहाँ पे लाइव वेट आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जो इंडिकेटर आपका कनेक्ट किया हुआ है उसका नाम आएगा, इस साइड पे हमारा जो जितना भी टिकट बना हुआ है उसका लास्ट नंबर दिखाएगा, और ऑटो और मैनुअल है तो ऑटो जब सिलेक्ट करेंगे तो वो वेट वेब्रिज से उठाएगा या तो स्केल से उठाएगा, और मैनुअल जो है वो आपको वेट पूछेगा। कभी कभार आपको एडमिन राइट्स में मैनुअल देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे टिकट नंबर है, ये टिकट नंबर आपको जब पेमेंट सेव होता है तो लास्ट में टिकट नंबर आएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड यूनिक नंबर आएगा। बाकी सब ये डेट वगैरह है तो वो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं एज पर आवर राइट्स। सपोज वो मॉडिफिकेशन ऑपरेटर को नहीं करना देना है तो आप वो भी सिस्टम सेटिंग्स से आप बंद कर सकते हैं। पूरा सेटिंग्स हमारा जो भी रहेगा वो यहाँ पे रहेगा सिस्टम सेटिंग्स में, स्लिप सेटिंग में यहाँ पे रहेगा। जैसे अभी मैनुअल हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ से मैनुअल बंद कर देंगे तो वो टिक मार्क मैनुअल बंद हो जाएगा, या प्रीव्यू नहीं चाहिए तो प्रीव्यू हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये सब यहाँ से पूरा सेटिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारा सेटिंग्स दिया हुआ है, उसका हम नेक्स्ट सेशन में ट्रेनिंग ले लेंगे। अभी हम पेमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा रीप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, रीप्रिंट सिलेक्ट करके हमारा टिकट नंबर देंगे तो ये रीप्रिंट आ जाएगा। अभी हम एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और वो भी हमारे यूज़र एक्सेस के राइट्स के हिसाब से है। फिर हम ये फील्ड्स है, बहुत सारा फील्ड्स हमको ए सेम सॉफ्टवेयर
हमारा इंडस्ट्रियल वेब्रिज के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं और रोड वेब्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो सपोज ए फील्ड पूरा कस्टमाइजेबल दिया गया है 12 फील्ड, तो ये सब सारे फील्ड्स हम यहाँ से फील्ड सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं और इसके एज पर हमारा रिक्वायर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। जैसे 6 में हमको रिमार्क देना है, हम ये रिमार्क दे देंगे। एक बार सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा बाकी आ जाएगा ऑर्डर और नंबर पीओ नंबर, फिर अपना क्या होता है फॉर्म लोकेशन, तो ये सब हमारा दिया गया है। तो वो अभी आ जाएगा, अभी हम सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं कर रहे, सेव करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद वो पूरा सेटिंग्स अभी आ जाएगा, पूरा सेटिंग्स आ गया ये फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। अभी पूरा सेटिंग्स सब जगह पे चेंज हो जाएगा वगैरह, रिपोर्ट में भी चेंज हो जाएगा, सभी जगह पे चेंज हो जाएगा। ये चार्जेस नहीं चाहिए तो निकल जाएगा। फिर अपना सॉफ्टवेयर्स में जो यहाँ पे टिकट नंबर है, भी हम जो ऑप्शंस कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट करने के टाइम पे हमारा डिफ़ॉल्ट ग्रॉस सिलेक्ट होता है, तो वो हमको टेर सिलेक्शन करवाना है तो हम कर सकते हैं। ये सिलेक्शन अभी हम कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सा गाड़ी है, वो भी बंद करवाना है तो भी कर सकते हैं। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम वो कर सकते हैं। इसके साथ हम कोई भी मेक का, किसी भी ब्रांड का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, वेब्रिज का कोई भी मेक का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमको RS232 पे डेटा चाहिए और हमारा जब लाइव डेटा हमको चाहिए तब ये कनेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट कम्पोर्ट करने से लाइव डेटा आ जाएगा और वो भी हम ऑटोमेटिकली सिस्टम सेटिंग से सेट कर सकते हैं। और थैंक यू, ये हमारा पूरा वेमेंट एंट्री का स्क्रीन था और इससे हम वेमेंट कर सकते हैं स्पीडी। बाकी सब हम नेक्स्ट